फ्यूचर टीचर्स, सो कैसे हैं आप। मैं चित्रा शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे, 11th क्वेश्चन आज हमें करना है। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मोटिवेट कीजिए मुझे। सो 11th क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन, इफ सो 11th क्वेश्चन इज दैट इफ एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ब्रैकेट में आपका गिवन है 65m माइनस 117 ब्रैकेट क्लोज, द वैल्यू ऑफ m इज। आपको ये बताना है कि 65m माइनस 117 में ये जो m आपको गिवन है, m की वैल्यू क्या होगी। और इसको आपको इक्वल लिखना रखना है 65 एंड 117 के एचसीएफ के। सो ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, इसमें आप 65 एंड 117 के एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। जो एचसीएफ आएगा उसको 65m माइनस 117 के इक्वल रखेंगे और m की वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करके आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्टली हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे आपका 65 एंड 117। इसे आप 5 के टेबल से करेंगे, 5 1 जा 5, 1 रिमेनिंग रहा, 5 3 जा 15 एंड 13 1 जा आपका 13। 117 को आप स्टार्ट कीजिए 3 के टेबल से, 3 3 जा आपका 9 बचा, 9 हुआ आपका रिमेनिंग बचा 2, वो 27 बन गया फिर, और 3 9 जा 27। इसे अब आप 3 के टेबल से अगेन कर सकते हैं, 1 एंड 3 एंड 13 बन जा 13। अच्छा, ये तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 65 5 के टेबल से हो रहा है, नो प्रॉब्लम। इसे आप 3 के टेबल से कैसे पता लगाएंगे। देखिए, मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में सिखाया था कि 117 कोई भी डिजिट आपके 3 के टेबल से डिवाइड है या नहीं है, जब हमने डिविजिबिलिटी मेथड किया था। सो हमने 3 के मेथड में पढ़ा था कि इन नंबर्स को प्लस कीजिए और अगर ऐड करने में ऐसी डिजिट आती है जो कि 3 से डिवाइड है, सो इजीली डिवाइड हो जाएगी पूरे डिजिट। 7 1 प्लस कीजिए 8, 8 में 1 प्लस कीजिए 9, सो 117 का सम जो है वो 19 आ रहा है। सो इस वजह से इस डिजिट को हम 3 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। जब भी आपको एचसीएम फाइंड आउट करना, एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा या फिर एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, कभी भी आप बिगर लार्जर डिजिट से डायरेक्टली नहीं करेंगे, बिकॉज आपका फिर कॉमन फैक्टर नहीं निकल के आएगा और क्वेश्चन में आप गलत आंसर को टिक लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको एचसीएफ समझ आ गई होगी। सो एचसीएफ में आप कॉमन फैक्टर निकालते हैं, सो इसका एचसीएफ आपका आ रहा है स्टूडेंट्स 13। अब आपको जो इक्वेशन गिवन है 65m सबट्रैक्ट 170, इसको आपको एचसीएफ के इक्वल रखना है 13। 65m 13 के इक्वल रखिए, 117 आप देख रहे हैं सबट्रैक्ट में। जब हम साइड को चेंज करते हैं एलएचएस से आरएचएस की तरफ या फिर आरएचएस से एलएचएस की तरफ ले जाते हैं, तो साइन हमारा रिवर्स हो जाता है। 117 यहाँ पर सबट्रैक्ट में है, सो आप अदर साइड ले जाएंगे तो ये एडिशन में हो जाएगा। आप इसको ऐड कीजिए 117 के साथ में, 65m एज इट इज रहेगा, 13 में 117 आप ऐड कर दीजिए, सो आपका आ जाएगा 130। नेक्स्ट आपका 65m के साथ मल्टीप्लाई में है। जब वेरिएबल के बीच में और डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो आप मल्टीप्लाई कंसीडर करते हैं। अब आप 65 को नेक्स्ट साइड ले जाइए, सो ये आपका हो जाएगा डिवाइड में। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15 और ये आपका हो गया 5 2 जा 10, ये आपका बचा 3, 6 जा 30, 13 1 जा 13 एंड 13 2 जा 26। इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली आप 13 के टेबल से कर सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, अब m की वैल्यू आ गई आपकी 2, सो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
स्टूडेंट्स वी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 12. तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे. HCF of two number is 35 and LCM is 525. If one number is 175, then second number is. आपको एक HCF given है 35, LCM given है 525 और आपको first number given है 175. आपको second number find out करना है. इसके लिए आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि दो नंबर का प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर इक्वल होता है दोनों नंबर्स के एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के. सो इस फॉर्मूले का यूज करके वैल्यूज को पुट कीजिए एंड आप फर्स्ट नंबर को डिवाइड कर दीजिए एलसीएम एंड एचसीएफ से. सो आपका फाइनल नंबर जो आएगा वही आपका सेकेंड नंबर होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. सो क्वेश्चन नंबर 12 आप करेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम. एंड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट नंबर गिवन है 175, एचसीएफ आपको गिवन है 35 एंड एलसीएम आपको गिवन है 525. फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. फर्स्ट नंबर को लिखिए 175, सेकंड नंबर तो आपको फाइंड आउट करना ही है. एलसीएम लिख लीजिए 35, एचसीएफ एलसीएम 525. सेकंड नंबर को फाइंड आउट करने के लिए इन नंबर्स को आप एज इट इज रख दीजिए एंड 175 यहां पर आपका मल्टीप्लाई में है. सो मल्टीप्लाई का रिवर्स हो जाएगा डिवाइड. सो आप नेक्स्ट साइड ले जाकर के इसे राइट हैंड साइड की तरफ में इस 175 को डिवाइड कर दीजिए. 5 के टेबल से कैंसिल कर दीजिए. 57 जा 35, 53 जा 15 आपका 2 बचा. ये आपका हो गया 55 जा 25, 71 जा 7, 75 जा 35. अब इन दोनों को कैंसिल कीजिए. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 0 और 5 5 जा 25. सो आपका 105 सेकेंड नंबर है जो कि आपका है ऑप्शन नंबर डी. इसके लिए आपको केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टू नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम के. सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. नाउ वी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 13. So now students we are started question number 13. So question number 13 same question number 12 की तरह जो अभी हम कर चुके हैं. चलिए देखते हैं इस question को भी. 11 and 693 respectively, sorry, HCF and LCM of two number are 11 and 693 respectively. If one number is 77, then second number is. इसमें भी आपको HCF and LCM given है और first number given है, second number आपको find out करना है. So चलिए start करते हैं. First number इसमें आपको given है 77, second number आपको find out करना है. HCF आपको 11 given है and LCM आपको इस question में 693 given है. आप इसे डिवाइड कर देंगे 77 को. 11 7 77. अब 11 के टेबल से आप इसे कैंसिल कर दीजिए. 7 के टेबल से कैंसिल कर दीजिए. 7 1 7 एंड आफ्टर देन आप इसे 7 9 63, 6 7 9 63. सो आपका सेकंड नंबर आ रहा है 99. ऑप्शन चेक कर लीजिए. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सो बहुत इजी था एंड प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा था. कोई ऐसी डिफिकल्टी थी नहीं इस क्वेश्चन में. सो अब हम इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 13. सो क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह जो अभी हम कर चुके हैं. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी. 11 एंड 693 रेस्पेक्टिवली, HCF and LCM of two number are 11 and 693 respectively. If one number is 77,
देन सेकेंड नंबर इज, इसमें भी आपको HCF एंड LCM गिवन है और फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकेंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट नंबर इसमें आपको गिवन है 77, सेकेंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है. HCF आपको 11 गिवन है एंड LCM आपको इस क्वेश्चन में 693 गिवन है. आप इसे डिवाइड कर देंगे 77 को, 11 7 77. अब 11 के टेबल से आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 7 के टेबल से कैंसिल कर दीजिए, 7 1 7 एंड आफ्टर देन आप इसे 7 9 63 सो आपका सेकेंड नंबर आ रहा है 99. ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सो बहुत इजी था एंड प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा था, कोई ऐसी डिफिकल्टी थी नहीं इस क्वेश्चन में. सो अब हम इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 14. सो क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट HCF एंड LCM टू फर्स्ट इवन नंबर इज, आपको फर्स्ट इवन नंबर फाइंड आउट करने हैं और उन इवन नंबर्स का आपको HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है. इवन नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, 2 से डिवाइड हो जाते हैं. सो आपको फर्स्ट 3 इवन नंबर फाइंड आउट करने हैं, उसका HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये भी अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है. सो फर्स्ट 3 आपके इवन नंबर हो जाएंगे 2, 4 एंड 6. इवन नंबर्स आपके हो गए 2, 4 एंड 6. अभी पहले आप इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. आप इसके HCF फाइंड आउट करेंगे, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आपका हो जाएगा 2. कॉमन फैक्टर में आपके 2 हो गए. LCM में मैंने आपको बताया था कि फर्स्टली आप कॉमन फैक्टर लिखेंगे, फिर सेकेंडली आप जो अनकॉमन फैक्टर्स रह गए हैं उनको आप लेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे. सो अनकॉमन फैक्टर इज 2 एंड 3, 3 2 जा 6 और ये आपका हो गया 12. ओके स्टूडेंट, सो 2 एंड 12. सो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट आपका आज की क्लास का. HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर वुड बी, 2 को प्राइम नंबर्स का आपको HCF बताना होगा. अच्छा, जब भी आपसे को प्राइम नंबर पूछे, सबसे पहले तो आपको को प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स होते क्या है. को प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, केवल 1 ही उनका कॉमन फैक्टर होता है. सो इसका आंसर सिंपली आपका 1 हो जाएगा. HCF इसकी कितनी आ जाएगी, 1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस को हम करेंगे. टोटल हमारे 3 वीडियोस में 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं. जिन्होंने पहले की वीडियो 2 वीडियो ना देखी हो वो भी देख लीजिए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस हम इनमें प्रीवियस ईयर के ही कर रहे हैं. अब आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे. एंड थैंक यू वेरी मच, गुड बाय.